अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों हो रहा है वो बिकॉज जितना पैसा हम एक्चुअली में अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं उतना हम स्पेंड कर रहे हैं कि इसमें एन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में या पॉल्यूशन को रोकने में राइट right? तो क्या हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है पॉल्यूशन का इट विल ऑल्सो सर्व द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज नीड टू बी अडोप्टेड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट स्ट्रैटेजी विल बी यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी हम कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं आगे ठीक है फर्स्ट स्ट्रैटेजी विल बी यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखो कन्वेंशनली मतलब ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं हम ऐसे सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है देखो इन इंडिया यूजली डिपेंडेंट ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स टू मीट इट्स बेसिक पावर नीड्स बट बोथ दीज सोसेज हैव एडवर्स एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ठीक है हम या तो थर्मल एनर्जी पे या तो हाइड्रो पावर पर रिलाई करते हैं बट इन एनर्जीज़ के एन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं ठीक है अब देखो आगे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने कवर किया था कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं यहां पे ये लोग क्या बोल रहे हैं? कि अब जो न्यू नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज आई हैं ठीक है जैसे कि सोलार एनर्जी हो गई विंड एनर्जी हो गई ये चीजें रिसेंटली डिस्कवर सबने की है टू सेव एनवायरमेंट सो वी शुड सब्सटीट्यूट द कन्वेंशनल विद द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक विंड Wind power, solar rays are cleaner and greener energy sources, but are not yet been explored on a large scale due to a lack of technological devices. सोलर एनर्जी यूज करना हमें आता है बट हम लार्ज स्केल पे नहीं कर रहे हैं ठीक है बिकॉज अभी भी हमें इसको यूज कैसे करना है कॉन्टी टेक्निकल डिवाइस यूज करने वो हमें समझ में नहीं आ रहा जबकि ज्यादा क्लीनर एंड ग्रीनर है इट इज गुड फॉर एनवायरमेंट प्लस इट इज क्लीन दैट मीन्स इट विल नॉट कॉज एनी डैमेज टू एनवायरमेंट प्लस ह्यूमन बींगस सो द फर्स्ट वन विल बी यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मूविंग फर्दर इन एरियाज विथ हाई स्पीड ऑफ विंड विंडमिल्स कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवामेंट अगर ऑलरेडी वहाँ पे ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड में विंड होती है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है विंड मिल आपको ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है इंडिया इज नैचुर इंडोर्ड विदार्ज क्वान्टिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ फोटोवाल्टिक सेल्स सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी फोटो फोटो मतलब क्या होता है सोलार एनर्जी की बात हो रही है तो सेल्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस वी कैन यूज देम। सोलार कुकर्स, सोलार हीटर्स सोलार पैनल्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है बट लार्ज स्केल पे अभी तक नहीं आया है देन बोथ द सोर्सेज विंड पावर एंड सोलार रेस आर टोटली फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन Although their initial cost is high, the benefits are such that the high cost gets easily absorbed. kya bola ja raha hai Initially setup karne mein thoda cost high hai but as soon as you set up it, उसके बाद में जो आपका cost है ना, वो बहुत ज़्यादा save हो जाएगा. Every month आप electricity का bill pay करो, यहाँ पे इतना cost बैल करो extraction का उससे अच्छा हम try करें कि हम ये non-conventional sources use कर सकें. Now सेकेंड इज यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स सी एन जी डीजल ठीक है नौ लुक क्यों इन अर्बन एरियाल गैस सी एन जी इज बीड टू बी एज टू बी यूज एज फ्यूल इन डेली जी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज सिग्निफिकेंटली लोवर्ड एयर पोल्यूशन क्या बोला जा रहा है सिर्फ डेली ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में पीपल आर स्टार्ट प्रमोटिंग सी एन जी के सी एन जी का यूज होना चाहिए इसीलिए आजकल ऑटोज हो गए कैब्स हो गए बड़ी बड़ी कैब कंपनीज भी क्या कर रही जी आजकल सी रन जी यूज करती है अपने व्हीकल्स में तो क्या होता है सी से एक्चुअली में एयर पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाता है इन रूरल एरियाज़ हाउस होल्ड जनरली यूज वुड डंग बायोमास्यूल्स है क्या बोला जा रहा है पे कि usually people क्या करते हैं करते हैं यूज द वुड टू बर्न एंड टू कुक फूड ठीक है अब इससे क्या होता है डंक केक्स यूज होते हैं अब ये सब चीजें जो है ना जो एक्चुअली में डिफॉरेस्टेशन तो होना नहीं चाहिए पहली बात तो ठीक है उसकी जगह पे हमें एलपीजी प्रमोट करना चाहिए अलॉन्ग विध दैट जो डूज है, करते हैं जलाने में गाँव में उसको हम यूज कर सकते हैं मेन्योर में तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम का में वेस्ट कर रहे हैं इनस्टेड ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं कुछ क्लीनर फ्यूल अडोप्ट कर सकते हैं प्लस वेस्ट कर रहे हो प्लस उसको बर्न कर रहे हो बर्न करने से क्या होगा एयर पोल्यूशन भी क्रिएट होता है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द यूज ऑफ एल पी जी एंड गोबर गैस इज बींग प्रमोटेड एस दे आर क्लीनर फ्यूल एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द हाउस होल्ड पॉल्यूशन टू लार्ज

हाइड्रो एनर्जी मतलब ठीक है वाटर का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना उससे हम क्या बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अगर हमारे पास में बहुत सारी स्ट्रीम्स या वैलीज अवेलेबल है और उनकी फोर्स भी ज्यादा होती है माउंटेन्स आते टाइम पे तो हम वहां पे टर्बाइन सेटअप कर सकते हैं एंड वी कैन सेटअप स्मॉल मिनी हाइडल प्लांट्स ओवर देयर सच पावर प्लांट्स आर मोर और लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड जनरेट इनफ पावर टू मीट लोकल डिमांड्स आप ज्यादा नेशन वाइड मत सोचो एटलीस्ट लोकल डिमांड्स तो हम फुलफिल कर ही सकते हैं मोर ओवर लार्ज स्केल ट्रांसमिशन टावर्स एंड केबल्स आर केबल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन सच प्लांट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आपको वाटर के अंदर सेटअप करना है तो so, आपको बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन या बहुत लार्ज स्केल पे कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी द नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस ट्रेडिशनली इंडियन पीपल हैव बिकम क्लोज टू है ऑल प्रैक्टिस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर सिस्टम हेल्थ केयर सिस्टम हाउसिंग ट्रांसपोर्ट एट्सट्रा यूज टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या बोला जा रहा है कि लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट किया है एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें यूज करना प्रैक्टिस यूज करना द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम हैज कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू एनवाइट एंड ऑल्सो अवर रूरल हेरिटेज यूजअली लोग पहले फ्रेंडली प्रैक्टिस यूज करते थे फिर धीरे धीरे क्या हुआ मॉडर्न मेथड्स आ गए और मॉडर्न मेथड्स के यूज से क्या हुआ ट्रेडिशनल सिस्टम रिप्लेस हुआ प्लस एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स आयुष ट्रीटमेंट विद अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स विच हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आयुष ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है गवर्नमेंट का सेटअप किया हुआ है जहाँ पे हम आयुर्वेदिक मेथड या पुराने मेथड्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मेडिसिनल प्लांट्स चाहिए जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है लुक नौलोकियो

उसके सामने क्या है इनके जो एक्चुअली में प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट है एन्वायरमेंट फ्रेंडली है अलॉन्ग विद डैट क्या बोला जा रहा है कि इसको सेटअप करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है ये डायरेक्टली हम प्लांट्स के यूज से मेडिसिन बना सकते हैं नेक्स्ट इज यूज ऑफ बायो कंपोस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन तो समझ में आई कि उसका यूज करना चाहिए बायो कंपोस्ट क्या है द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ नॉट ओनली एडवर्सली अफेक्टेड द लार्ज एरियाज ऑफ प्रोडक्टिव लैंड बट ऑल्सो कंटामिनेटेड द वॉटर बॉडीज देखो वैन यू आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड दैट मीनस आप लैंड को हार्म कर रहे हो अलॉन्ग विद आप इरीगेशन फैसिलिटी लाते हो ठीक है वाटर डालते हो वाटर प्रोवाइड करते हो अपने फार्म में अलोंग विद डैट फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हो तो वो जो वाटर के साथ में फर्टिलाइजर निकलता है वो हार्म करता है वाटर बॉडीज को भी ठीक है वो पोल्यूटेड वाटर है दैट विल हार्म द वाटर बॉडीज टू ड्यू टू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डिमांड फॉर इरीगेशन हैज़ बिन ग्रोइंग अप गोइंग अप ईयर आफ्टर ईयर नाउ लैंड नीड्स मोर वाटर वेन यू आर एक्चुअली यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर तो इरीगेशन की डिमांड भी बहुत इंक्रीज हो गई है विथ राइज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड फार्मर्स हैव अगेन स्टार्टिड यूजिंग बायो कॉम्पोस्ट दैट इज कॉम्पोस्ट मेड फ्राम ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स बायो कॉम्पोस्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स इन टू नेचुरल मैन्योर क्या बोला जा रहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ ऑर्गेनिक डिमांड ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड वापस इंक्रीज़ हुई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हुई जिसकी वजह से फार्मर्स ने भी बायो कॉम्पोस्ट यूज़ करना स्टार्ट किया है अब वो क्या करते हैं वेट वेस्ट को इकट्ठा करते हैं ठीक है उसको कंपोस्ट करते हैं उसको सड़ाते हैं और फिर वहाँ से नेचुरल मेन्योर बनाते हैं ठीक है वहाँ पे डंग्स डंग यूज होता है हमारा जो वेजिटेबल पील है या फ्रूट पील है जो हम यूज करते हैं जो हम फेंकते हैं एक्चुअली में उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है उसमें से नेचुरल मेन्योर क्रिएट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बायो कॉम्पोस्ट जिसको हम लैंड पे यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं इन सर्टन पार्ट ऑफ कंट्री कैटल आर मेंिकॉज दे प्रोड्यूस डिच इज एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडिश्नर सॉइल का कंडिशनर भाई बालों के लिए कंडिशनर तो सॉइल के लिए भी कंडिश्नर है सॉइल को भी फर्टाइल बनाना है अगेन उसकी कैपेसिटी वापस लेके आनी है तो सॉइल को हील करने के लिए डंग यूज होता है जिसकी वजह से भी लोग एक्चुअली में कैटल रखते हैं अपने फार्म पे नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट द एडवेंट ऑफ़ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ इंक्रीज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड विच नॉट ओनली कंटामिनेट फूड प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो पल्यूट द वॉटर बॉडीज देखो अलॉन्ग विद फर्टिलाइजर यू आर यूजिंग पेस्टिसाइड क्या होता है इरीगेशन के साथ में जो पानी निकलता है उसके उसके अंदर भी तो पेस्टिसाइड होता है विच अगेन इज हार्मिंग द वॉटर बॉडीज अलॉन्ग विद दैट क्या होता है पेस्टिसाइड से हमारा जो खाना है जो एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग वो भी खराब होता है उसमें एक्चुअली में केमिकल प्रॉपर्टीज जाती है ठीक है टू मीट दिस चैलेंज बेटर मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल आर प्रमोटेड फॉर एग्जाम्पल नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स क्या बोला जा रहा है तो हमें ये केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड छोड़ने हैं प्लस हमें एन्वायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड यूज करने हैं जैसे कि नीम बेस्ड पेस्टिसाइड बहुत अच्छे होते हैं एन्वायरमेंट के लिए इन एडिशन अवेयरनेस इज बीन क्रिएटेडेड फॉर यूज ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक स्नैक्स लिजर्ड्स आउल पीकॉक्स एक्सेट्रा एज नैचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स वॉट दे डू दे ईट सच थिंग्स ठीक है ये खाते हैं तो इनको खाना मिल जाएगा और आपका फार्म बच जाएगा कौन से एनिमल्स हैं ये एनिमल्स एंड बर्ड्स कौन से लिजर्ड्स, आउल एंड पीकॉक्स मिक्स क्रॉपिंग एंड ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन ईयर्स ऑन द सेम लैंडो हेल्प फार्मर्स जो हमने पहले भी देखा था क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करते रहना डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करना देट विल ऑल्सो हेल्प यूर हेल्प यूर लैंड टू हील नाउ लास्ट वन इज चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजन एंड प्रोडक्शन कंजम्पन प्रोडक्शन पैटर्न की बात हो रही है यहाँ पे जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं और जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं विथ इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर वेस्ट फॉर कंजम्पन लिंक टू मार्केट ड्रिवे कंज्यूमरिज्म इज स्ट्रेसिंग द रिसोर्स बेस्ड डेवलपिंग कंट्रीज फर्दर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली में कि हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं प्लस हमारे पास में क्या अब हमारे पास में परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है ठीक है हम खुद भी परचेज़ करते रहते हैं तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में वेस्टफुल कंजम्पशन करते हैं जो चीज़ों की नीड नहीं है उसे भी हम कंज्यूम कर रहे हैं ज़बरदस्ती ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है मार्केट ड्रिवन कंज्यूमरिज्म जो मार्केटिंग हो रही है ना आजकल प्रोडक्ट्स की हम वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो हम टीवी में देखते हैं जो हम ऐड में देखते हैं कि वाह दिस इज दिस साउंड गुड अब हम ये यूज़ करेंगे ये अच्छा लग रहा है तो हम ये यूज़ करेंगे तो क्या होता है इट इज़ लिंक टू द मार्केट ड्रिवन कंज्यूमरिज्म जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है इट इज़ स्टिल डेवलपिंग वी आर नॉट डेवलप्ड येट तो हमारे जो कंट्री है उसके रिसोर्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है क्योंकि जो आप डिमांड करोगे वही हम आगे जाकर सप्लाई करेंगे अब सप्लाई वो चीज होगी जो एक्चुअली में नीडेड नहीं है तो क्या होगा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट टू काउंटर दिस थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मार्केट ड्रिवन कंज्यूमरिज्म ट्राई एंड सी क्या एक्चुअली में क्या यूज कर सकते हो क्या जरूरी है और इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए इन सेवरल एरियाज़ डिजायरेबल लिमिट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर कंजम्पन एंड प्रोडक्शन नीड टू बी एस्टेब्लिश एंड अप्लाइड थ्रू अप्रोप्रिएट मैकेजम इंक्लूडिंग एजुकेशन इंसेंटिव एंड लेगिसलेशन जो एरियाज है जहाँ पे एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि कंजम्पशन बहुत हाई है ठीक है जिसकी वजह से वेस्टफुल कंजम्पन भी हो रहा है तो वहाँ पर स्पेशली हमें यह अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है द गवर्मेंट ऑफ इंडिया हैजन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द गिटेजीज

and also to save the resources for future generation now this is your where we sum up our chapter please keep practicing the chapter test till then keep watching keep learning